स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अमन एंटरप्राइजेस की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमने लिख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अमन एंटरप्राइजेस। अब ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, चलिए इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। हमने फॉर्मेट बना रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश चेक गुड्स फर्नीचर। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें इतनी सारी चीजें लगाई हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज लगाते हैं सबको हम कैपिटल मानते हैं। तो ये सारी क्या है, कैपिटल है। और क्या क्या चीज लगाई है उसका हम हेड बना लेते हैं। कैश चेक, बैंक चेक मतलब बैंक में चेक जाएगा, बैंक का एक हेड बनाया मैंने। गुड्स स्टॉक का, फर्नीचर का हमने यहां पर हेड बना लिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट करना। कैश कितना है, 50,000, तो आप यहां 50,000 लिख दीजिए। चेक कितने का लगाया मैंने बिजनेस स्टार्ट करते समय, 1,00,000, तो आप 1,00,000 बैंक में दिखा दीजिए। गुड्स कितने के लगाए हैं, 30,000, तो 30,000 स्टॉक का हो गया। और फर्नीचर कितने का लगाया है मैंने, 20,000, तो फर्नीचर 20,000। ओवरऑल क्या है मेरी, कैपिटल। ये सब बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई गई है, तो ये सब क्या है मेरी, कैपिटल। तो 1,00,000, 2,00,000, टोटल हमारा 2,00,000 हो गया। तो कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 2,00,000। लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, तो जीरो। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चलिए यहां पर 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000। लाइबिलिटीज हमारी कुछ है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है कार कॉमा पर्सनल एसेट। ध्यान रखिएगा, जो कार है वो उनकी पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट ऑफ द प्रोप्राइटर वॉज सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। मैंने पर्सनल, जो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, उसने अपनी पर्सनल कार सेल कर दी। सेल करके उसको क्या मिला, एक चेक मिला, चेक रिसीव्ड। वॉज डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। वो जो कार बेच कर इसको पैसा मिला, उसने उसको क्या किया, उस पैसे को फर्म में लगा दिया, मतलब बिजनेस में लगा दिया। एक तरह से कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आ रही है फर्म में, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि चेक आ रहा है बैंक में आएगा। तो कितना चेक आएगा, 1,00,000 का चेक, तो बैंक में ऐड कर दीजिए। 1,00,000 का चेक आ गया और कैपिटल भी तो आ गई, फर्म ने और पैसा लगाया, तो एडिशनल कैपिटल कह सकते हैं हम, 0 प्लस 1,00,000। तो हमारा नेट इफेक्ट देख लेते क्या, ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन था, 50,000। अब कैश कितने का हो गया, सॉरी बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 2,00,000, और 30,000 हमारा स्टॉक प्लस 20,000 किस चीज के हैं, फर्नीचर के, 0 प्लस 3,00,000। 3,00,000 इधर भी है और 2,00,000 3,00,000, तो सही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू फर्म्स बैंक अकाउंट। अब देखिए इसने क्या किया, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट, मतलब जो फर्म का जो ओनर है उसका पर्सनल अकाउंट है, मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से इसने ट्रांसफर किया, कहां पर, बिजनेस में ट्रांसफर किया, मतलब और कैपिटल लगाया, किस फॉर्म में लगाया, बैंक से ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए और पैसा आ रहा है यहां पर फॉर्म में, 50,000 आ रहा है, और कहां आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो फिर से बैंक में ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल में कितना ऐड कर दें हम लोग, 50,000, तो बैंक में 50,000 और कैपिटल में भी 50,000, यहां 0 लिख लीजिए, लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, और 50,000 और आ गया, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है, कैश अभी भी इनका 50,000 चल रहा है, प्लस 2,50,000 की इनकी बैंक बैलेंस है, प्लस 30,000 स्टॉक का, एंड 20,000 का इनका फर्नीचर है, 0 प्लस कैपिटल टोटल कितनी हो गई, 3,50,000। अभी इनका बिजनेस सेटअप हो रहा है, एक तरह से पूरा कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। पेड रेंट 3,000, इन्होंने रेंट पे किया 3,000, इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। इसने रेंट तो पे किया, जिसमें से 3,000 का रेंट पे किया, जिसमें से 2,000 एडवांस में पे कर रखा है। तो कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं तो वो मेरी एसेट बन जाती है, हमने बार बार बताया। तो रेंट पेड इन एडवांस क्या है, मेरी एसेट है, और 1,000 का रेंट जो है वो पे करना था इन्हें। तो एक हम हेड पहले बना लें, रेंट इन एडवांस,
आप लोग फुल लिखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ रेंट इन एडवांस शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो रेंट इन एडवांस कितने का गया? 2000। तो अब सबसे पहले यहाँ रेंट इन एडवांस में 2000 ऐड कर लीजिए, सॉरी नीचे लिखना है। कैश कितना गया आपके पास से? टोटल 3000 रुपए दे दिए ना आपने, तो 3000 यहां से कैश में से लेस कर दीजिए, क्योंकि कैश आपका 3000 का चला गया। अभी ये रेंट क्या देना था? नहीं दिया है, लेकिन देना कितना था? 1000 का देना था, तो आप 1000 यहां डिडक्ट कर दीजिए। ये करंट ईयर का जो देना था, प्लस आपने नेट इफेक्ट यहां पर दे दिया। हाँ, ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम लोग, इसका टोटल कर लेते हैं, नेट इफेक्ट देख लेते हैं कितना है। यहां 47,000 प्लस 250,000 बैंक में चल रहा है, प्लस 30,000 प्लस 20,000 क्या है हमारा फर्नीचर का, और एडवांस रेंट 2000 चल रहा है। इधर देख लेते हैं, लायबिलिटी कुछ नहीं है हमारी, प्लस 1000 माइनस करते तो 3,49,000। ये हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखिए यहां लिखा हुआ है, अगर आप लोग का पेज फिल हो जाए, मतलब पूरा भर जाए पेज और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो आप इसी तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टोटल ले आइए वापस यहीं पर नीचे से, और यहां पर ट्रांजेक्शन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी का टाइम देने का आ गया टाइम, और हमने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है मेरी, तो हमने एक सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से हेड बना लिया, और उसमें कितना ऐड कर दें हम 1000, तो हम 1000 ऐड कर दे रहे क्योंकि सैलरी हमें पे करनी है। प्लस एक और ट्रांजेक्शन, दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, टाइम तो आ ही चुका है देने का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस का टाइम हो चुका है और या फिर फ्यूचर में जो होने वाले हैं उसको पहले से ही आप सेव करके रख लीजिए, मतलब द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो सेफ रहने के लिए आप क्या करिए, पहले से माइनस कर दीजिए 1000 कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि आपका लॉस एक तरह से एक्सपेंस हो ही गया है, तो 1000। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, 47,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 स्टॉक प्लस 20,000 प्लस 2,000 रेंट इन एडवांस प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 है। ये हेड मैंने एडवांस में बना रखा है, अभी आप इसको मत देखिए, प्लस 3,48,000। तो चेक कर लेते, 3,49,000 इधर भी है एंड इधर भी उतना ही होना चाहिए, 3,49,000। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। फर्नीचर खरीदा इन्होंने, इसको यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। कितने से डाउन हो रही है? 500। तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन करने के लिए आप लेस कर दीजिए 500। फर्नीचर का वैल्यू डाउन होगी तो आप किसी को कैश देने नहीं जाएंगे कि इतना वैल्यू डाउन हो गई रख लो, ये नॉन कैश आइटम है, ध्यान रखिएगा, कैश नहीं जाता है। लेकिन हमारा लॉस तो हो गया ना एक तरह से 500 का, तो कैपिटल से डिडक्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी लॉस होता है आपको कैपिटल से लेस करना पड़ता है, प्रॉफिट होता है तो आप ऐड कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट नेट इफेक्ट देख लेते हैं, कैश का बैलेंस प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 19,500 प्लस 2,000 फॉर योर रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए, यहां पर 3,48,500 और इधर भी उतना ही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4,000। 5,000 में मैंने गुड्स को सेल किया, कॉस्ट थी 4,000, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तो अब यहां पर प्रॉफिट में 1000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज होती है कैपिटल, लॉस होता है तो डिक्रीज होती है, ये वाला ट्रांजेक्शन लॉस हो रहा था। कैश में बेचा तो कैश कितना आएगा, 5,000, 4,000 तो स्टॉक की कॉस्ट थी, आपने बेचा 5,000 में, तो 5,000 कैश में ऐड कर दीजिए, और स्टॉक कितने के गए आपके पास से 4,000 के, तो स्टॉक में 4,000 लेस कर दीजिए। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है,
47,000 प्लस 5,000 52,000 प्लस 2,50,000 बैंक बैलेंस प्लस 26,000 प्लस 19,500 का फर्नीचर प्लस 2,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी चल रही है 1,000। ₹3,48,500 और इधर भी उतना ही आ रहा है 3,49,500। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम लोग। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। हमें कमीशन मिल गया एडवांस में 10,000 रुपीज का। कमीशन मिला होगा तो कैश आया होगा 10,000, तो आप कैश में ऐड कर दीजिए 10,000 प्लस इनकम आपको एडगर एडवांस में मिल जाए तो अभी अनअर्न्ड इनकम कहते हैं उसको, वो हमारी क्या होती है लायबिलिटी होती है। तो देखिए हमने एक हेड बनाया कमीशन इन एडवांस, तो लायबिलिटी है हमारी जो भी इनकम एडवांस में मिल जाए जो अर्न नहीं हुई होती, अनअर्न्ड इनकम जिसको कहते हैं वो लायबिलिटी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन 14th में आपको अच्छे से बताया था। तो देखिए कितना है 10,000, तो 10,000 यहां पर ऐड कर देते हैं 0 प्लस 0, तो नेट इफेक्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ₹62,000 प्लस ₹2,50,000 का बैंक बैलेंस है प्लस 26,000 का क्या है हमारे पास स्टॉक फर्नीचर 19,500 प्लस 2,000 रेंट इन एडवांस चल रहा है। इधर क्या दिया है 1,000 प्लस 10,000 कमीशन इन एडवांस एंड कैपिटल कितनी है 3,48,500। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। यहां पर देख लेते हैं कितना आया 3,48,500 प्लस 11,000 10,000 प्लस 1,000 3,59,500 इधर भी उतना ही आना चाहिए 62,000 प्लस 2,50,000 प्लस 26,000 प्लस 19,500 प्लस 2,000 3,59,500। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।